बात की एक बात जगह, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। बेबे निकल जा मेरे घर से। बेबे तू जानती भी है तो क्या कह रही है? ओ एक लौता मर्द हूं इस घर का मैं। मैं अगर चला गया तो तुम सारी औरतें इस घर को अकेले मिलकर कैसे चलाओगी? मर्द ऐसे होते हैं जगन, धोखेबाज है तू, नालायक कि नौना इंसान है तू। पवनियों की इज्जत मिट्टी में मिलाने चला था वो, अपने स्वार्थ के लिए हमारी परजाई की इज्जत पूरे पिंड में उछालने चला था तू। तू बहुत ही नीच इंसान है, ऐसे करके तुझे घर से निकाल रही हूँ। मर्द की बात करता है ना तू, है मेरे घर में मर्द, मेरा पोता, वारिस मेरा। इस पिंड का शाह है मेरे घर में। गलती कर रही है। गलती कर रही थी तेरे पे भरोसा करके, तेरी बातों में आके, तेरी बातों पे विश्वास करके कर रही थी मैं गलती, अपनी बहू की गल ना सुन के, उसकी बात ना मान के। पर अब मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। निकल मेरे घर से। मैं क्या, बेचारे बेचारे अभी निकल गए, कल्ले कहाँ जाएंगे? अभी अन्नी रात को मैं क्या? बेबी माफ कर दो जी। नहीं बेबी, ऐसा मत करिए, माफ कर दीजिए जगन को। अंबा ये वही इंसान है जिसने तेरे ऊपर बदचलन होने का आरोप लगाया था। हाँ बेबी, उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, ये ठीक नहीं है बेबी, हमारा परिवार बिखर जाएगा। चाची तू हट जा अंबा, इसने मेरी बहू की बेइज्जती की है, मेरे मरे हुए बच्चे की बेइज्जती की है इसने। हाँ, अगर वो जिंदा होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता। मनु के पापा कभी नहीं चाहते थे कि ये परिवार बिखरे या अलगाव हो पिंड में या इस घर में। सबसे बड़ा गुनहगार ये मेरा और मैं इसे माफ करती हूँ बेबे। कोई भी परिवार अलग होके आगे नहीं बढ़ सकता बेबे। जब वो एक साथ होता है तभी आगे बढ़ पाता है। अरे भुल्ला, तुम यहाँ पे रमन का रमन विरे, वो मुझे कुछ कहना है तुमसे। वो तुमने मेरी मम्मी की बहुत हेल्प की है, उसके लिए थैंक यू। तुम्हें कुछ कहना? तुम अपने मम्मी को मेरे तरफ से थैंक्स बोल देना। रमन, हम दोस्ती कर सकते हैं? बाजवाओं और भवनियों में दोस्ती? सिर्फ दोस्ती। तो मैं चलती हूँ, वो दशहरे के लिए निकलना है। बाय। अम्बा ने बहुत गलत फैसला लिया है, पहली बारी तुझे इस घर में रोक के।
तेरी वही सजा होनी चाहिए थी जो मैंने सोची थी। तक्के मार के तुझे इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। और तूने कह दिया और मैंने मान लिया। इतना आसान नहीं है बेबे। इस घर पे मेरा भी हक है। और अगर तुम लोगों ने मुझे यहां से निकालने की कोशिश भी की ना, तो पंचायत तक कसीट के लेके जाऊंगा तुम लोगों को। तो ये देखने के लिए रब ने मुझे कर में रखा, आज नहीं जाने दिया मुझे रावण दहन देखने, क्योंकि कर में एक रावण जो खुला घूम रहा है मेरे। मैं बहुत गलत थी, अपने चरण पुत्र को गलत समझती रही। वो तो राम था, राम, और तू तू रावण है, रावण। धमकी दे रहा है ना तू मुझे पंचायत ले जाने की। अब पंचायत ही फैसला करेगी जगन। तेरे से पहले मैं जाऊंगी पंचायत और जाके उनको बताऊंगी तेरी काली करतूते। आके अपने आप पंचायत तुझे इस घर से बाहर करेगी, फिर देखूंगी क्या करता है तू। ये सब क्या कर रहे हो? ये मेरा सामान है, ये कहाँ ले जा रहे हो? वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या कर रहे हो इसका? अरे तुझे तेरी औकात दिखाई जा रही है। जीप की चाबी दे इधर दे। यही हाथ उठाया था ना तुमने मुझ पर? यही हाथ उठाया था ना? आज के बाद तूने मेरी किसी भी गाड़ी को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा मैं तेरे। बड़ी अकड़ दिखाए घूमता है ना पिंड में। ये जो अय्याशी का सामान इकट्ठा कर रखा है ना घर में, ये हरजीत सिंह बाजवा की वजह से है। वो हरजीत तेरे बाप का नाम है, ये मत भूलना। आज से तेरे सारे ऐशो आराम बंद। ये सारी चीजें मैंने दी थी तुझे, अब तुझसे छीन रहा हूं मैं। हसन, मेरे पूछे बगैर कुछ मत देना इसको। और इस तरह भगवान राम ने रावण का अंत किया, असत्य की जीत और झूठ की पराजय। राम 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 राम। जब जब रावण ने जन्म ले तब तक उनका विनाश करने के राम जी ने जन्म। जय श्री राम, देव में देव, जय श्री राम। इसका और उस हरजीत बाजवा का गलत संबंध है, और ये बात मेरी बेबे को पता चल गई थी। इसको पता चला तो इसने मौका देख के मेरी बेबे को धक्का मार के उसको मारने की।